क्या हुआ इसको? पढ़ने में क्या दिक्कत? गरीब को पढ़ाने के लिए तुम सभी और क्या दिक्कत? क्या दिक्कत समझिए जरा, इसको पढ़ने में क्या दिक्कत है बच्चे को? क्या हुआ? क्या हुआ दिक्कत बोलो। कोई मैसेज नहीं मिला। पहले एक सिम वाला फोन आता था, फिर दो सिम वाला आया, अब लेटेस्ट तीन सिम वाला फोन आ गया है। नहीं यकीन हुआ तो फिर ये देखो। मैं नहीं दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा। तीन सिम वाला फोन आ गया है। रावण में लाख बुराइयां थी, लेकिन उसने कभी भी रिचार्ज महंगा करके ओह यार अपने बेटे की शादी नहीं। नूर पॉइंट गांव में लाख बुराई थी, लेकिन सोशल मीडिया पे कभी भी झूठे वीडियो नहीं डाले इसकी तरह। और पहले तो सोचा कि पप्पू ही मेंटल है, लेकिन चमचे भी मेंटल निकले। रावण के जमाने में मोबाइल कब चला था? हमने सोचा कि भैया जेब काटो, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले भैया उधर देखो जरा। भैया ये देखो, इधर देखो जरा। भैया वो ऊपर देखो, फ्लाईओवर की ओर देखो जरा। गोलमाल है, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का, ये असली है ये लड़का? हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी, न जाने कितने सवालों की आबरू रख। कौन है ये लोग? गुजरात में कांग्रेस काफी कमजोर हो चुकी है। अगर राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में जान डालने के लिए चुनौती दे रहे हैं तो बात समझ में आती है कि उनकी यह रणनीति हो सकती है। लेकिन जिस राज्य में बीजेपी लगातार 7 बार से चुनाव जीत रही हो, अरे कहना क्या चाहते हो, वहां उसे आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। दिल्ली में भले ही नरेंद्र मोदी तीसरे प्रयास में 400 सीटें लाकर राजीव गांधी का रिकॉर्ड ना तोड़ पाए, लेकिन 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 182 में से 156 सीटें लाकर गुजरात में एक रिकॉर्ड बना दिया। सातवीं बार के चुनाव में उसकी सीटों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और 1985 में कांग्रेस का 149 सीटें लाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया। माधव सिंह सोलंकी के समय कांग्रेस को यह कामयाबी मिली थी। शायद यही वजह रही होगी कि जब राहुल गांधी ने लोकसभा में कहा कि इस बार गुजरात में बीजेपी को हरा कर दिखाएंगे, किसी ने गंभीरता से नहीं ली। पुलवामा में 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया नहीं पता इसको, लेकिन इसने इजराइल की वॉर रुकवा दी पुतिन की आंखों में आंख डाल के। इस टट्टी सी शक्ल की औरत को यह भी नहीं पता कि पुतिन रशिया के प्रेसिडेंट है और उनकी लड़ाई यूक्रेन में चल रही है, ना कि इजराइल में। और भारत सरकार और भाजपा ने कभी ये क्लेम ही नहीं किया कि उन्होंने इजराइल और हमास के आतंकवादियों के बीच की लड़ाई में कभी कोई हस्तक्षेप किया हो, लेकिन ये गटरछाप औरत हमेशा पापा पापा करके झूठ फैलाती रहती है। और ये गटरछाप औरत जिस 300 किलो आरडीएक्स की बात कर रही है, इसको ये भी नहीं पता कि 2019 में एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में साफ बता दिया कि आरडीएक्स पाकिस्तान से आया था। खत्म। और किस मजहब के आतंकवादी आरडीएक्स को लेकर आए थे, और आरडीएक्स 300 किलो नहीं आया था, 200 किलो आया था। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अक्ल के अंधे हिंदू इस गटरछाप औरत के वीडियोस को देखते भी हैं, उन्हें लाइक भी करते हैं और उसकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। आप इस गटरछाप औरत के बारे में क्या कहना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, दिल खोल के कहिए। वीडियो को उन अक्ल के अंधे हिंदुओं को शेयर जरूर कीजिए जो इस गटरछाप औरत को अपनी मम्मी समझे बैठे हैं। जय जय श्री राम। जैनुद्दीन। जैनुद्दीन कांग्रेसी हैं आप? जी। किसका इंतजार कर रहे हैं? मायावती। मायावती का? प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी कौन है? प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री? अच्छा, प्रियंका गांधी मुख्यमंत्री का इंतजार कर रहे हैं ये। क्या नाम है आपका? सैदुल इस्लाम। सैदुल इस्लाम, पूरा नाम तो हमको नहीं पता है, लेकिन किसका इंतजार कर रहे हैं आप? प्रियंका गांधी। कौन है प्रियंका गांधी? कौन है प्रियंका गांधी? हम लोग 2.5 साल से ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो। नहीं जानते आप? जानते हैं प्रियंका गांधी को? मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री क्या नाम है आपका? इनास अली। इनास अली। इनास अली मुख्यमंत्री प्रियंका गांधी का इंतजार कर रहे हैं ये। आप नेता हैं इनके? हाँ मैं नेता हूँ इनका। सारे कार्यकर्ता हैं जो साथ में आए? सब कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जी। अच्छा बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रफीकुल अली। जी रफीकुल अली। किसका इंतजार कर रहे हैं? सोनिया गांधी। सोनिया गांधी का इंतजार कर रहे हैं? गजब है। सोनिया गांधी जो आ रही उनकी मम्मी का इंतजार कर रहे हैं। कौन है सोनिया गांधी? प्रियंका गांधी नेता है। किस किस पार्टी की? क्या नाम है आपका? राम सुमिरन। राम सुमिरन बड़े तेज तर्रार व्यक्ति लग रहे हैं आप। किसका इंतजार कर रहे हैं? मेनका गांधी का। मेनका गांधी का इंतजार कर रहे हैं, बहुत सही लोग हैं यहाँ पर। प्रेमिका गांधी। प्रेमिका गांधी का इंतजार कर रहे हैं, मेनका गांधी के बाद प्रेमिका गांधी, एक नई गांधी। तो राजनीति में गारंटी देना ही मैं समझता हूँ कानून के खिलाफ है। इसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को एक्शन लेना चाहिए।
अडानी जी अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए। पास कोई और रास्ता है? देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। यह भाजपा के एनडीए अलायंस का एक एमपी और इस हरामजादे का नाम है प्रज्वल रमन्ना। इस कुत्ते के बच्चे के पास एक पेनड्राइव बरामद हुई जिसमें 2976 वीडियोस हैं ऑफ वुमेन बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड। करीबन 3000 वीडियोस ऑफ वुमेन फ्रॉम हाउस हेल्प्स टू पार्टी वर्कर्स बीइंग सेक्सुअली एक्सप्लॉइटेड मिली है। और पता है भाजपा ने क्या किया? इसको बीच लोकसभा कैंपेन में देश से बाहर भिजवा दिया। शकल घटिया जुबान वाली है बद्दीमा कोरा, जिस प्रज्वल रमन्ना की बात कर रही है वो कर्नाटका की जेडीएस पार्टी से सांसद है। ये वही प्रज्वल रमन्ना है जिसके दादा एचडी देवेगौड़ा को कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाया था। ये वही प्रज्वल रमन्ना है जिसके चाचा एचडी शिव कुमार को कांग्रेस ने 2018 में कर्नाटका का मुख्यमंत्री बनाया था। और प्रज्वल रमन्ना के जो वीडियो वायरल हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि उसी समय के हैं जब कर्नाटका, यही नहीं अभी और सुनिए, हमें कांग्रेस के समर्थन से जेडीएस की सरकार चल रही थी। तो ये भद्दी सी शकल वाली औरत बताए कि जब कांड कांग्रेस के सरकार के समय हुआ है तो भाजपा उसका जवाब क्यों दे। इसके अलावा अभी भी कर्नाटका में कांग्रेस की सरकार है, तो ये बद्दीमा औरत ये बताए कि कर्नाटका की कांग्रेस सरकार ने पहले जांच क्यों नहीं बैठाई, प्रज्वल रमन्ना को गिरफ्तार क्यों नहीं किया, उसे विदेश जाने से रोका क्यों नहीं। इसलिए बजुबान बदतमीज भद्दी सी शकल वाले लोगों के झांसे में ना आए। ये लोग सच को छुपाकर सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाते हैं ताकि मोदी जी को सत्ता से हटाकर एक पागल पप्पू को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश को लूट सके। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें, सनातनी रहें और अपना वोट सिर्फ राष्ट्रहित में दें। जय जय श्री राम। कैसी लगी आगे स्वाद? लेवल सबके निकलेंगे, बट निकलेंगे उसके जो खड़ा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फॉरएवर में दो चीजों का बिजनेस है, खड़े रहने का और जितना खड़े रहने का अपने टीम के साथ। अगर आपके सपने स्ट्रांग है ना, तो उन्हें कहते हो आपको कोई नहीं रोक सकता उन्हें पूरा करने के लिए, क्योंकि फॉरएवर लिविंग में ना मुझे आने से बहुत सारे लोगों ने रोका, जिसमें खुद मेरी फैमिली थी, मेरे खुद के ब्रदर सिस्टर थे, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी थे जो आज भी नहीं आए, कुछ वो थे जो फॉरएवर में आए बट उन्होंने किया नहीं, बट सपने मेरे थे पूरे, मैंने करने थे। तो मैं और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते, आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते, हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। कुछ भी वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। कहाँ से है पैसे? मुझे नहीं मालूम कहाँ से। मालूम नहीं तेरे का मालूम नहीं, लेकिन हमको मालूम है। अगर हम मर भी गए ना, तब भी ये चिंदी चोर ना हमारे कफन के लिए पैसे नहीं देगा। मालूम नहीं तेरे का, शर्म आई, दो दिन से हम दोनों ने खाना नहीं खाया, शर्म आई पैसे। अरे तुम दोनों के छोड़, मेरे को नहीं मालूम है पैसे किधर से। सच कहता हूं, मुझे नहीं मालूम यार, मैं सच कहता हूं, मैंने अभी अभी पैसे देखे ये। तो ये पैसे कहाँ से? तुम्हारे माँ का पति जेब में डाल दिया या ऊपर आसमान से गिरा? देख 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 कमीना कैसे चुप हो गया, बोलती बंद होगी। देख कमीने की, इसको मैं चुपचाप संभाले, मैं इसका सेठ हूं। अरे सेठ होगा मेरे जूते से, या तो इसने चोरी किया या किसी का पॉकेट मारा है। क्या चिरकुट भांडों की तरह लड़ रहा तुम्हारे सड़क पर यार? यह पादरी धर्मांतरण का कार्यक्रम कर रहा था, तभी थोड़ी हवा चलने लगी तो लोग कुर्सी से उठने लगे। तब पादरी कहता है कि आप लोग बैठिए, अभी यीशु के नाम की प्रार्थना करके आदेश करता हूँ कि वे हवाओं को रोक दे। फिर पादरी यीशु के नाम की प्रार्थना करके कहता है, मैं मौसम को, बारिश और हवा, दारू नहीं रे बाबा, दवाई है, हवा को रोकने का आदेश देता हूँ। फिर जो हुआ जब भी कभी ठेले पर सामान लेने जा रहे हैं तो पहले 10 बार ठेला चेक करें, फिर उसके बाद वहाँ पे, यही नहीं अभी और सुनिए, तोड़ के कभी कुछ भी मत खाएं, क्योंकि इनके जैसे महान प्राणी इस धरती पे बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। और बीवी का दूध पी सकते हैं? बिल्कुल जनाब, भर के रखा करें, दोस्तों को भी पिलाया करें। मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। और मैनू पूरी उम्मीद है कि 1936 का ओलंपिक का जी सानू मेजबानी भी मिलूगी और प्रधानमंत्री भी अरविंद केजरीवाल जी होंगे। मेनू पूरी उम्मीद है इन दो जीनियस के ब्रेन्स को निकाल के हम बाजार में भेजेंगे तो बहुत अच्छा प्राइस आएगा, क्योंकि ये अनयूज ब्रेन्स है, अभी इस्तेमाल ही नहीं किए। जान पहचानता हो लाल केजरीवाल को? ये 40,000 रुपए का बिल माफ करवा दो, मैं वोट उसको दे दूंगा।
सिस्टम पार देंगे। बोले नहीं कांग्रेस को वोट दूंगा, मैं दूंगा आम आदमी पार्टी को वोट और मैं कट्टर वोटर और उसी को दूंगा। दिल्ली में रहता हूं ना, हां तो आपको पता होगा कि सड़क से लेके पानी से लेके बिजली के बिल तक सब कुछ बहुत स्मूथली चलता है। अभी बिल अरे देवा ये गड़बड़ है बाबा। दिखा है आपको पानी का बिल? दिखा हम लोग लंदन में रहते हैं और बिल हमारा कितना आया है? पानी भी नहीं चल रहा है। अभी मीडिया पे दिखा दिए, केजरीवाल का बिल है ये 30,000 रुपए का है और जो 280 बिपिन गार्डन मेरा एड्रेस है 40,000 रुपए का बिल आया भाई। ये बिल दिखा दो इसको, पानी बिल तू करवा दे अगर तू इससे। केजरीवाल से तेरी बातचीत है भाई, ये कहते पानी बिल बिजली। मैं कोई भी ऐसा बंदा आम आदमी का पार्टी का हो जो जान, अरे बाप रे ये तो धोती खोल रहा है, पहचानता हो लाल केजरीवाल को, ये 40,000 रुपए का बिल है माफ करवा दो, मैं वोट उसको दे दूंगा। ये बिल अगर आप लोग जान पहचान सर, मेरे को ना जात धर्म से कोई लेना देना, आप डबल में फ्री का बात कर रहे हो ना। अगर ये 40,000 रुपए का बिल है मेरे से केजरीवाल से मिलवा दो मेरे को, मैं कहता हूँ केजरीवाल से मिलवा दो मेरे को इसके लिए। हमेशा मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेगा और हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, जब कौन बताने आएगा तुमको। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं। उसको ऐसे ये कौन है? ये तो बुगली है। बुगली बोले तो अब आए ना लाइन पे। अरे बोलने तो दे उसको। हेलो अंकल, हमारे जो युवा है जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1,00,000 रुपया 8,500 रुपए महीने का ठका ठक हमारी सरकार डालेगी। बाय बाय। मैं छोटा सा लड़का था 6-7 साल का, दादी ने मुझे, इंदिरा जी ने मुझे एक किताब दी। हूँ नानकड़ो हतो 6-7 वर्ष नो, मारा दादी इंदिरा मा एमने मने एक चौपड़ी आपी, एम मुझे सबसे अच्छी लगती थी अने मने सौथी वधारे गमती हती ये चौपड़ी ये वार्ता। उसमें फोटो की किताब थी। जनता माफ नहीं करेगी। हिंदी में चल, आप हिंदी में बोलेंगे चलेगा? चलेगा, आपकी हिंदी समझते हो? ठीक है, तो नहीं करना चाहते। जब ऊंचे पदों पे बैठे लोग कह देते हैं हिंदू हिंसक हैं, ऊंचे पदों पे बैठ के लोग कह देते हैं कि हिंदू सनातनियों का नरसंहार कर दो, दो बात कहूंगी। जो मैंने देखा है पिछले 2 साल में, सनातनियों का नरसंहार करने की कोशिश की गई, क्योंकि शायद व्हाट्सएप पे फेसबुक पे कुछ लिख दिया और कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं लिखा। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गवा के रहने की नौबत नहीं आती।